नमस्कार, मैं हूं अजीत आनंद। आप देख रहे हैं जनवाणी न्यूज। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा करेगी आप। आम आदमी पार्टी के नेता कर्नल अजय कोठियाल लड़ेंगे चुनाव। अब भारतीय कर सकेंगे यूरोप की यात्रा। यूरोपियन संघ के 7 देशों और स्विट्जरलैंड ने दी कोविशील्ड को मंजूरी। अब महाराष्ट्र कांग्रेस में बही बगावत की बयार। सुशील शिंदे हुए नाराज, बोले पार्टी अपनी विचारधारा की संस्कृति खो रही है। पंजाब कांग्रेस में आपसी खींचतान जारी। सिद्धू ने दिल्ली में डेरा जमाया। कैप्टन ने समर्थकों संग चंडीगढ़ आवास पर किया लंच। मुलायम सिंह यादव की तबीयत बिगड़ी, गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में है भर्ती। डिजिटल की नंबर 1 हीरोइन बनी माधुरी दीक्षित, बोली मेरे पास माँ है। आज है पूर्व सीएम सपा मुखिया अखिलेश यादव का जन्मदिन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी जन्मदिन की बधाई। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किया दावा, आने वाले महीनों में दुनिया पर हावी हो जाएगा कोरोना का डेल्टा वेरिएंट। डॉक्टरों के बलिदान को प्रधानमंत्री ने किया नमन, बोले कोरोना का खतरा अभी गया नहीं है। कृषि कानूनों को पूरी तरह खारिज करने के पक्ष में नहीं है शरद पवार, बोले विवादित भाग में संशोधन करने की जरूरत। किसान आंदोलन के दौरान 2 और किसानों की मौत, टीकरी बॉर्डर पर धरने पर बैठे थे किसान। जुलाई महीने के पहले दिन सोने चांदी की कीमतों में भारी बढ़ोतरी, सोने में 441 रुपए की बढ़ोतरी, चांदी भी पहुंचा 68,967 रुपए प्रति किलोग्राम। नोएडा में रेरा का बकाया न चुकाने पर कई बिल्डरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, कई बिल्डरों की 344 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी ने जारी किए परीक्षा की तिथि, 12 जुलाई से 2 पालियों में होगी स्नातक और स्नातकोत्तर अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी बने वायुसेना के नए डिप्टी चीफ, संभाला कार्यभार। आज फिर लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 164 अंक फिसला सेंसेक्स। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का बड़ा बयान, प्रदेश सरकार साल के अंत तक 1,00,000 नौकरी देगी। पिता की पुण्यतिथि के दिन IPS मुकुल गोयल बने UP के DGP, परिवार में खुशी का माहौल। बेरोजगारी पर नाराज हैं BSP सुप्रीमो मायावती, कहा जो दुर्दशा कांग्रेस की हुई वही BJP की भी होगी। भारत के खिलाफ सीरीज से पहले जो रूट ने भरी हुंकार, कहा आराम और रोटेशन नीति छोड़ने का आ गया समय।